जयपुर शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और यहाँ के गहने तो पूरी दुनिया भर में फेमस है और वह अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। ऐसे ही जयपुरी ज्वेलरी की शुरुआत से लेकर अब तक के कीमती आभूषणों और पत्थरों को एक ही विशाल संग्रहालय में सजाकर रखा गया है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस संग्रहालय को खजाना महल के नाम से जाना जाता है। यह जयपुर के जल महल से कुछ दूरी पर बना हुआ है। यह खजाना महल जयपुर का सबसे अनोखा म्यूजियम है। इस म्यूजियम में दुनिया भर के बेशकीमती हीरे, जवाहरात, पत्थर और कई सारे आभूषण रखे हैं। यह संग्रहालय पहाड़ियों के बीच 3 एकड़ में बना हुआ है। इस संग्रहालय में हजारों की संख्या में बेशकीमती चीजें मौजूद है जो सालों पुरानी है। सुंदर पहाड़ी के बीच बने इस संग्रहालय में लोग जयपुरी ज्वेलरी के इतिहास को जानने और गहनों को किस प्रकार से पत्थरों को तराशकर उन्हें आभूषण के रूप में बदला जाता है, यह जानने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। इस म्यूजियम में आभूषणों के बनने की प्रक्रिया, औजार और बनाने के तरीके को म्यूजियम में सजोकर रखा गया है, जो बहुत ही आकर्षक है। इस म्यूजियम में इतनी सारी बेशकीमती चीजों के कारण यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 50 से भी अधिक कैमरे लगे हुए हैं और म्यूजियम में किसी भी प्रकार की फोटो वीडियो लेना सख्त मना है। इस संग्रहालय में तकरीबन 100 साल पुराने 400 प्रकार के 20,000 से अधिक आभूषण, जिनमें डायनासोर की हड्डी, कोहिनूर का रेप्लिका, शार्क के दांत, हीरे, मोती, जेम्स स्टोन, रूबी, टूटते हुए तारे का पत्थर, ज्वालामुखी से निकला पत्थर सहित सभी अन्य प्रकार के रत्न सजाकर रखे गए हैं। साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस द्वारा फेमस फिल्मों में पहनी गई ज्वेलरी को भी यहां सजाकर रखा गया है। इसके अलावा कोहिनूर का बेशकीमती हीरा और क्वीन का खूबसूरत ताज भी यहां आकर्षक चीजों में से एक है। खजाना महल के आभूषणों के अलावा यहाँ लोग एडवेंचर का भी आनंद लेते हैं। महल के बाहर सुंदर पार्क बना हुआ है जहाँ लोग फोटोशूट करवाते हैं। महल के परिसर में स्थित गार्डन में पानी के अंदर रखे राम सेतु के अनमोल पत्थर भी यहाँ देखने लायक हैं। खजाना महल के अंदर और बाहर लोगों के लिए बेहतरीन चीजें हैं, जिनमें संग्रहालय की एंट्री से पहले राजस्थानी कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर उनका स्वागत किया जाता है। संग्रहालय के अंदर ज्वेलरी के इतिहास और बनावट से संबंधित फिल्म दिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ संग्रहालय के गाइड यहाँ की हर एक चीज को पर्यटकों को उसकी बारीकी से जानकारी देते हैं। इस संग्रहालय को देखने के लिए 350 रुपये का शुल्क लगता है। आइए बात करते हैं संग्रहालय के असिस्टेंट मैनेजर रघुवीर जोरम जी से। सर, यहाँ पे आपको मिलेगा दुनिया के सारे जितने भी अनमोल रत्न हैं वो आपको सब यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे टूटता हुआ तारा मिलेगा, ज्वालामुखी से बना हुआ पत्थर आपको यहाँ पे मिलेगा, सभी तरह की बहुत ही तरह की यहाँ पे ज्वेलरीज मिलेगी आपको, गोल्ड की, सिल्वर की और भी सारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा 16 श्रृंगार जो वैदिक एरा में जो औरतें करती थी वो आपको बताई जाएगी, और गहने आपको क्यों पहनने चाहिए थे उसकी इम्पोर्टेंस आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी रिंग भी मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे रूबी के बने सूर्य भगवान हैं जो एक पत्थर में बने हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे विभिन्न जो भी अपनी जो भी यहाँ पे ज्वेलरीज मिलती है। और जयपुर जो बेसिकली जैसे आपको पता होगा कि ज्वेलरी के लिए फेमस है, तो ज्वेलरी की आर्ट यहाँ पे दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे आर्ट आर्टिस्ट मौजूद है जो कि आपको ज्वेलरी बना के दिखाते हैं, और मतलब सारी चीज़ें एक स्टोन, रफ स्टोन से लेकर के फाइनलाइज ज्वेलरी तक उसकी जो जर्नी होती है स्टोन की और ज्वेलरी की, वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई जाए। यहाँ पे 9:30 बजे म्यूजियम ओपन होता है और 6:30 बजे तक रहता है जो उसका टाइमिंग है। और टिकट प्राइस कितना रहता है म्यूजियम का? प्राइस सर का 350 रुपीज़ पर पर्सन है।